अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह ताला इसी तरह आपको खुश रखें, आबाद रखें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। जी फ्रेंड, सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे हस्बैंड की 2 दिन से तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें लकवा का अटैक हुआ है। काइंडली रिक्वेस्ट है, आप उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें। अल्लाह ताला उन्हें जल्दी से सेहत याब करें और हमारी इस परेशानी को ख़त्म करें। और सबसे पहले जो न्यू है मेरे चैनल पे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। जी फ्रेंड्स, आज मैं बनाने लगी हूँ अपने हस्बैंड के लिए ये छोटे पाए का सालन। ये लकवा में कहते हैं गरम से गरम चीज़ें खाएं, ठंडी चीज़ों से अवॉइड करें। तो आज मैं उनके लिए ये सालन बनाने लगी हूँ, सोचा अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसकी रेसिपी शेयर करूँ। और फिर आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है, आप उनके लिए प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें। वैसे तो डॉक्टर ने बहुत ज़्यादा कहा है कि आप ये टेंशन की बात नहीं है, इंशाल्लाह वो जल्द ठीक हो जाएंगे, लेकिन आपको पता है जब तक ठीक ना हो इंसान अपसेट ही रहता है। और आजकल थोड़े से ही ज़्यादा होते हुए पता नहीं चलता है, बस अल्लाह ताला हम पे हमारी परेशानियों को ख़त्म करें, हमसे जो गुनाह हुए हैं वो हमारे माफ़ करें और हम अपनी रहमत करें, आमीन। जी फ्रेंड्स, तो आप मेरे साथ रहिए और देखें मैं आज कैसे बना रही हूँ हस्बैंड के लिए पाए। मैं थोड़ा जल्दी में हूँ इसलिए आज मैं प्रेशर में ही बनाने लगी हूँ, वरना जब कभी बनाने हो फिर अर्ली ही मैं इनको पकने के लिए रख देती हूँ, लेकिन आज टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है। फिर मैंने सोचा चले आज मैं प्रेशर में ही बना लेती हूँ, आज मैं आपके साथ प्रेशर में ही शेयर करूँगी। ये मैंने अनियन को कटिंग करके इसमें डाल दिया है और आज मैं पहले मैं दूसरे तरीके से बनाती हूँ, आज नए तरीके से बनाने लगी हूँ, सोचा आपके साथ शेयर करूँ। आप मेरे साथ रहिएगा और देखिए मैं कैसे बना रही हूँ। ये प्याज को मैं अब इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको फ्राई होने के लिए रख दूँगी। जी देखिए, मैंने इसमें ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं डाला है क्योंकि आपको पता है इनका अपना भी थोड़ा सा ऑयल निकल आता था, इसलिए मैंने इसमें कम ही ऑयल डाला है। और इसको अब लाइट फ्लेम पर इसको फ्राई कर रही हूँ, तब तक के लिए मैं बाकी चीज़ों को रेडी कर लूँ। पहले ही कुछ दिनों से माइंड अपसेट था भाई की तरफ ही, जब मैं गई हुई थी तो वहाँ पे ही एक बैड न्यूज़ मिल गई, वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। हमारा कज़न है, तकरीबन 26-27 ईयर्स का था, वो रहते हैं इस्लामाबाद में। हमने फ्रेंड्स के साथ डैम पे गए थे और पता नहीं, ये तो अल्लाह ही जानता है क्या हुआ, उनकी गाड़ी कैसे वो डैम के अंदर चली गई और उसकी डेथ हो गई। हम बहुत ज़्यादा अपसेट थे 2 दिन से। छोटे उसके बच्चे हैं, 5 साल हुई है अभी सिर्फ उसकी शादी को, और हमारा बचपन एक साथ ही गुजरा है। वैसे ही वो माइंड में था तो माइंड ऐसे जैसे फ्रीज ही हो गया, और जब घर आए आवैस की भी तबीयत ठीक नहीं थी, इन्होंने मेरे साथ इतना शेयर नहीं किया था। जब घर आए और ये डॉक्टर से अपनी मेडिसिन लेके आए तो डॉक्टर ने तो बहुत ज़्यादा डरा दिया था। वो डॉक्टर कहते हैं अस्तगफार, अल्लाह ताला अपनी रहमत करे, फालिश वगैरह का भी हो सकता है। बस जैसे ही मुझे आवैस ने बताया, मेरा तो ऐसे जैसे मेरे तो पाँव के नीचे से ही ज़मीन निकल गई है। मैंने इन्हें कहा नहीं, आप फौरन किसी स्पेशलिस्ट के पास जाएं। अपनी सिस्टर ला के साथ मैंने कांटेक्ट किया, उन्हें बताया कि ये सब है, फिर इन्हें हॉस्पिटल में एमरजेंसी लेके गए, उन्होंने ट्रीटमेंट वगैरह किया, टेस्ट वगैरह किए इनके, तो उन्होंने कहा कि ज़्यादा इनका स्वेयर प्रॉब्लम नहीं है, माइनर सा ही ये लकवा का अटैक हुआ है। लेकिन इतना ज़्यादा हमारे घर में टेंशन है, बस कभी कोई आ रहा है जा रहा है देखने, आपको पता ही है कि घर में कितनी टेंशन हो जाती है। और 2 दिन से इनकी शॉप भी क्लोज ही है, जा नहीं रही हैं, और बच्चे कहते हैं हमारे बाबा हमें पकड़ें, गाड़ी लेके जाएं, इतनी टेंशन है।
और वो अब्दुल्ला की पिक्स मैं इसके लास्ट पे आपके साथ शेयर करूँगी, वो भी आप ज़रूर देखना। और उसके लिए मगफरत की दुआ प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा, अल्लाह ताला उसकी मगफरत करें, उसको आगे उसके दर्जात बुलंद करें, आमीन। वो तो माइंड से निकल ही नहीं रहा है, और इस बात को हम अच्छे से समझते हैं क्योंकि हमारा खुद भी एक भाई तकरीबन 26-27 ईयर का था, वो भी हमें छोड़ के जब चला गया था, हमें पता था हम पे कैसे कयामत ही, इसलिए हम उनको समझ सकते हैं, उनके घर में भी कयामत का समा ही होगा। और मेरे भाई का भी एक ही बेटा था, उसके जाने के 4 माह के बाद अल्लाह ताला ने उसे दोबारा फिर बेटा दिया था। इतनी जवान मौत, इंसान को जल्दी सब्र भी नहीं आता है, क्या करें, फिर अल्लाह की रज़ा में राज़ी होना पड़ता है, लेकिन एक टाइम लगता है इंसान को सब्र आने में। दुआ करें अल्लाह ताला उनको भी सब्र दे। हमारे भाई को 8 साल हो गए हैं गए हुए हमें छोड़ के, लेकिन हमें अभी भी जब हम सोचते हैं वो हमारे साथ नहीं है, हमारा दिल ऐसे कांप उठता है कि वो हमारे साथ नहीं है। अब आप मेरे भाई के लिए भी ज़रूर दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद करें, और प्लीज़ उसके लिए भी फातिहा पढ़ के उसको उसके लिए दुआ करते। और जी फ्रेंड्स, ये देखिए हमने इसको लाइटिंग को करना है, एक टेंशन ख़त्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। इतनी जवान मौत, और हमारा तो बचपन एक साथ गुजरा है, तो वो मुझे नहीं बोल रहा, मैं रात में भी आँख खुलती है तो वो वैसे ही मेरे माइंड में आता है, तो उनके घर वालों का सोचें क्या हाल होगा, बीवी जिसका उसके साथ एक टाइम गुजरा है, बहन, ये तकरीबन 2-3 साल पहले उनकी मदर की डेथ हो गई थी, और एक ही उनकी इसकी अब सिस्टर है, उसके अभी सब कुछ ख़त्म हो गया, बाप का इकलौता बेटा था, बाप के लिए भी सब कुछ, और बीवी जिसको देखे उसके लिए ही बहुत बड़ा सदमा है। अल्लाह ताला हर एक पे अपनी रहमत करे, अल्लाह ताला ने कुछ ना कुछ उनके लिए भी सोचा ही होगा, बस अल्लाह ताला उनको सब्र दे, आमीन। उस चैनल पे तो बहुत ज़्यादा ये बार बार न्यूज़ आ रही थी, आप भी देखिएगा चैनल पे, वहाँ पे सर्च करके तो आपको वीडियोस मिलेंगी, जब वीडियोस देखते हैं तो और भी दिल हिल जाता है। अल्लाह ताला हर एक पे अपना रहम करे। और आवाज़ से आपको लग रहा होगा कि इस टाइम मैं कितनी ज़्यादा गम में हूँ, जितनी ज़्यादा परेशानी है, और एक अब्दुल्ला की और फिर बाद में मेरे हस्बैंड की, आप मेरे हस्बैंड के लिए भी प्लीज़ दुआ करें, जल्दी से वो ठीक हो जाएं और हमारे घर की ये टेंशन ख़त्म हो। अल्लाह ताला किसी के भी शोहर को, किसी के भी बाप को कुछ ना करें, आमीन। और फिर ये रात कभी कोई कुछ कह देता है कि ये लपवा में कबूतर खाएं, वो बहुत गर्म होता है, कहते हैं गर्म चीज़ें खानी चाहिए, कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कह देता है। फिर रात में मेरी सिस्टर आई थी, वो ये पानी लेके आई थी, कहती थी ये अवैध को तुम बना के दो, ठंडी आपने कोई चीज़ नहीं देनी है, बस गर्म चीज़ें ही देनी है, और कोई पर अवैध की वजह से सब भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और ये प्याज हमारा तकरीबन लाइट ब्राउन हो गया है, मैंने अनियन और गार्लिक को मैंने इसको ग्राइंड कर लिया था, और अब मैंने इसको इसमें थोड़ा सा फ्राई करूँगी, और उसके बाद आप मेरे साथ रहिएगा। मैंने खुद ही इसमें थोड़ा सा ज़्यादा पानी ऐड किया था ताकि प्याज भी अच्छे से नरम हो जाए और ये भी अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। आपको पता है शोरबे वाली चीज़ में अच्छे से ग्राइंड ना हो तो वो शोरबे के ऊपर ऊपर ही आ जाता है सब कुछ, इसलिए मैंने कहा था पानी थोड़ा डाल के इसको अच्छे से ग्राइंड कर लूँ। और ये अब इसका जब पानी इसका हमारा ड्राई हो जाएगा फिर ये खुद ही इसका मसाला सा बन जाएगा। जब इंसान खुद गम में होता है तो ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया ही गम में है, और जब इंसान का खुद कुछ होता है तो ऐसे लगता है कि सभी तरफ खुशियाँ हैं, जैसे इंसान के अपने अंदर का में होता है, दिल में अगर खुशी है तो हर चीज़ अच्छी लगती है, अगर गम है तो हर चीज़ ही अच्छी नहीं लगती है। दुनिया में कोई कोई हमें हंसता भी अच्छा नहीं लगता, कोई
किसी को हम खुश देखे, हंसा देखें तो दिल में होता है देखो हम कितने ज़्यादा परेशान हैं और उनको कितनी खुशी है। के लास्ट में मैं अब्दुल्ला की पिक्स आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, आप ज़रूर देखना और उसके लिए फातिहा ज़रूर पढ़ देना, दरूद पाक और फातिहा वगैरह उसके लिए पढ़ के उसके लिए स्पेशली दुआ ज़रूर कीजिएगा। ये देखें हमारा तकरीबन की ग्रेवी बन रही है। मैंने इसमें डाल दिए हैं, अब इसको थोड़ी देर में वैसे ही इसके मसाले वगैरह हम बाद में ऐड करेंगे। इसको मैं ऐसे इसको अच्छे से भून रही हूँ। दूसरे तरीके से बनाती थी, आज मैं ये नए तरीके से बना रही हूँ। आई होप अच्छे ही बनेंगे, ये तो बनेंगे फिर ही पता चलेगा कैसे बने हैं और मैं फिर आपको ज़रूर बताऊँगी कैसे बने हैं। हम सिस्टर की तरफ गए थे ना, उन्होंने इस तरीके से बनाए थे, मेरे ब्रदर इन लॉ ने उस दिन आपसे वीडियो भी मैंने शेयर की थी, तो ये उनकी रेसिपी में जैसे उन्होंने बनाया था उसी तरीके से बना रही हूँ, इसलिए मैंने सोचा चले आपसे भी उसकी रेसिपी शेयर करती हूँ, आप भी इस तरीके से बनाना। तो उनके तो बहुत टेस्टी बने थे, इंशाल्लाह हमारे भी आज अच्छे ही बनेंगे। 10 मिनट पहले इसको फ्राई करेंगे और फिर इसमें मसाले वगैरह हमने इसमें मैंने इसमें ना ही कोई टमाटर सब हमने कुछ नहीं डाला है। मैंने अब इसमें नमक, ज़ीरा, ये क्रश मिर्चें, काली मिर्च और गरम मसाला डाला है। वो आप अपने जितने जितना डालना होगा आप वो अपने टेस्ट के मुताबिक डालें, लेकिन जो जो चीज़ें मैंने ऐड की हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। इसको अच्छे से मैं मिक्स करके इसमें नहीं ऐड कर दूँगी और फिर उसको अच्छे से हम इसकी बनाई करेंगे। दही आपने लाजमी ऐड करना है क्योंकि इसकी जो इससे इसकी टेस्ट अच्छा बनता है, दूसरा ये कि इसमें से स्मेल वगैरह इसे दही से ख़त्म हो जाती है। पूरा दिन ऐसे ही करते हैं, टीवी चलाया, हर चीज़ चलाई और दूसरे रूम में चले गए, क्योंकि बच्चे भी ऐसे करते हैं, तो पूरा दिन इनके पीछे पीछे फिरती रहती हैं, इसको बंद करो, ये बेफजूल चलाया हुआ है, वॉल्यूम कम कर लो, वॉल्यूम इतना इन्होंने लाउड किया होता है और अब दूसरे रूम में चले गए हैं और पूरा दिन यही काम होता है। आपके बच्चे भी ऐसे ही तंग करते हैं, मैं तो कहती हूँ जल्दी से, ये दोनों जब नूरहैन और मोहम्मद अली मिल जाते हैं फिर ज़्यादा तंग करती हैं, मैं कहती हूँ जल्दी से स्कूल ओपन हो, एक तो जाए फिर दूसरे को भी सुकून रहता है, वो भी ज़रा काम ही तंग करता है। ये मैं मदर इन लॉ का और बच्चों का रूम है, बच्चे और मदर इन लॉ इधर सोती हैं, अपने बच्चे दादू के साथ सोते हैं और घर में इतना ज़्यादा चीज़ें बिखरी हुई हैं, उलझन इतनी ज़्यादा हो रही है, घर में सफाई हो तो खुद ही सुकून सा मिलता है और जब चीज़ें बिखरी हों और फिर बहुत ज़्यादा और भी उलझन सी होती है। अब मुझे मेरे साथ साथ मैं लो फ्लेम पे मैंने पाए की बुनाई कर रही हूँ, वो फ्लेम मैंने स्लो कर दिया है, वो अब मैं जाऊँगी उसको मिक्स करूँगी, तब मैंने कहा चले साथ साथ अब मैं थोड़ा थोड़ा साथ साथ चीज़ें भी इसमें लूँ, टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है। उससे सही से मेरे मिक्स नहीं हो रहा था, मैंने ये वाला चम्मच लिया है कि इससे अच्छे से मैं मिक्स कर दूँ। वगैरह कमरे की फॉल करके अब मैं किचन में आ गई और मैंने कहा इसको अच्छे से मिक्स करूं, देखूं ये हमारे जल तो नहीं, बहुत अच्छी इसकी बुनाई हो रही है, क्योंकि इसका फ्लेम मैंने स्लो ही किया है, स्लो पे हमेशा चीज़ अच्छी स्लो पे ही बनती है, अगर हम फ्लेम को हाई पे जल्दी से बनाने की कोशिश करेंगे तो उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा, वो जल जाएगी, इसलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हमारा बेशक हमारा ज़्यादा टाइम लग जाए लेकिन चीज़ तो अच्छी बन जाए ना। बर्तन मैं सिंक में समेट दिए, मुझे होता है पहले मैं सारा घर साफ़ कर लूँ, हर चीज़ वगैरह समेट लूँ, और ये तो एक किचन में साइड पे ही दो होते रहेंगे, मैं इसलिए चीज़ों को समेटती रहती हूँ सिंक में और हर चीज़ बाकी समेट के लास्ट पे ही मैं बर्तन धोने होते हैं। इसमें इसकी बुनाई करने के बाद मैंने पानी डाल के इसको प्रेशर इसको लगा दिया है
और आधे घंटे के लिए तकरीबन, और फिर उसके बाद हम देखेंगे हमारे पास इंशाल्लाह तब तक गल जाए। ये अवैस इनको ये खरबूजे छील छील के दे रहे हैं, ये अब शॉप पे नहीं गए क्योंकि आपको पता है इनकी तबीयत नहीं ठीक है, लेकिन बच्चे कहते हैं हमें, बच्चों ने कहा इन्हें रेस्ट करने देनी है, ये कहते हैं कि हमें बाबा ही दें, फिर अब वो ही इन्हें छील छील के दे रहे हैं। बच्चे इतने ज़्यादा ज़िद्दी हैं आजकल के, आपको पता ही है, और ये मेरे लिए भी वैस के ऊपर लेट के उसको प्यार कर रहा है। इन्होंने कहा वैस को रेस्ट करने देनी, ऊपर लेटे हूँ मैं ऐसे ही, बस सारा दिन तंग करते हैं, ये कहते हैं मैं इससे अच्छा शॉप पे ही चले जाऊँ, कहाँ मुझे यहाँ रेस्ट करने देंगे। बाबा से एक साथ खेल रहा है, शाबा। ये हर टाइम अपने बाबा के लिए दुआ मांगते हैं, अल्लाह ताला मेरे बाबा को जल्दी से ठीक कर दे। और ये नूर है भी, अल्लाह मियां मेरे बाबा को जल्दी से ठीक कर दे, आमीन। शाबाश, बच्चों का वैसे ही बाप के साथ बहुत ज्यादा प्यार होता है। और ये तो खुश है, हमारे बाबा गा रहे हैं इसी बहाने से हमारे पास तो बैठे हुए हैं। तब तक मैंने सोचा चलो मैं सफाइयाँ कर लूँ, और ये देखें मैं भी इसको सारा घर को वॉश करूँगी, उससे पहले पहले मैं ये बड़े बड़े जो थोड़ा ये कचरा है सारा समेट लूँ, और फिर उसके बाद में मैं सारा घर वॉश करूँगी। मैंने सोचा चले तब तक के लिए, जब तक हमारा ये आधा घंटा नहीं हो जाता है, मैं तब तक के लिए थोड़ा थोड़ी बहुत सफाई तो कर लूँ ना, फिर उसके बाद में मैं पूरा घर वॉश कर लूँगी। ऐसे ही तो काम ख़त्म होते हैं, अगर हम एक काम के लिए बैठे रहें तो ऐसा पूरा दिन लग जाए। काम जल्दी ख़त्म करने के लिए ऐसे ही होता है, पहले एक काम कर रहे हैं, उसके साथ दूसरा भी अगर हमें टाइम मिल रहा है, हम जल्दी से उसको काम को ख़त्म कर। फ्रेंड्स हमारे पाए माशाल्लाह इतने सॉफ्ट हो गए हैं, इतने अच्छे ये हो गए हैं, आसानी से टूट रहे हैं। ये भी लग पाती है कि फर्स्ट टाइम पे ही अच्छे हो जाए, वरना बार बार प्रेशर लगाना पड़ता है। और अब हम ये हमारा तकरीबन सालन है तैयार, इसे इसमें थोड़ा सा मैं अब नमक मिर्च वगैरह इसकी चेक कर लूँगी, अगर कोई कमी पेशी हुई वो पूरी करके। और ये देखें हमारा पाए का सालन हो गया है तकरीबन रेडी, और इसके साथ मैंने मंगवाई हैं बाज़ार से रोटियां, घर की रोटी खाने का तो मज़ा नहीं आता है अभी। और अब हम करने लगे हैं दोपहर का लंच, उसके साथ घर की रोटी का तो इतना मज़ा नहीं आता है, इसलिए मैं जब भी खाऊँ नान या यही मंगवाती होती हूँ। आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी, और लास्ट पे वो अब्दुल्ला की पिक ज़रूर देखिएगा, और उसके मकफर की दुआ ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।